नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार अनार के पौधे पर हम एयर लेयरिंग करें। तो इसके बारे में मैं आपको पूरे ए टू जेड जानकारी दूंगा, जिससे कि जो आपको रिजल्ट है आपको 100% मिले। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एयर लेयरिंग करने के लिए जो हम ब्रांच लेंगे, उस ब्रांच की मोटाई जितनी पेंसिल की मोटाई होती है उस मोटाई की हम ब्रांच लेंगे। अगर आप उस ज़्यादा मोटाई की आप ब्रांच लेंगे तो उसमें जो रूट्स हैं बहुत देर में आती हैं और कभी कभी वो सक्सेस भी नहीं होती है। एयर लेयरिंग करने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो हमारा जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में आप कर सकते हैं। जो बरसात का सीजन होता है उस सीजन में जो एयर लेयरिंग हम जो करते हैं उसमें जो रिजल्ट है हमको बहुत अच्छा मिलता है। जो हमने एयर लेयरिंग करने के लिए जो ब्रांच ली है उसमें हम 1 से 1.5 इंच का कट मार लेंगे और जो ब्रांच का ऊपर का हरा भाग होता है उसको हम काट के अलग कर लेंगे। जब भी आप एयर लेयरिंग करने के लिए जो नाइफ लें वो साफ होना चाहिए। तो चलिए, हम ये ऊपर का हरा भाग हमने अलग कर लिया है। इसके बाद जो हमने कट मारा हुआ ब्रांच में हम इसमें रूटिंग हार्मोन्स पाउडर लगाएंगे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप शहद लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन्स पाउडर लगाने से जो ब्रांच में रूट्स जल्दी आ जाती हैं। अगर आपके पास किसी प्रकार का रूटिंग हार्मोन्स पाउडर नहीं है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, पर जो आपकी रूट्स हैं बहुत लेट आएंगी। एयर लेयरिंग करने के लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ओनली कोकोपीट है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो इसकी जगह आप 50% मिट्टी ले सकते हैं और 50% उसमें आप जो बर्मी कंपोस्ट है वो मिला सकते हैं। इस पॉलीथीन को आप अच्छी तरीके से टाइट कस दें, जिससे कि जो बाहर की हवा है अंदर ना जा पाए और जो आपकी जो मिट्टी है सूख ना पाए। तो चलिए, इसका हम वेट करते हैं और देख लेते हैं कि कितने दिन में इसकी जो रूट्स हैं डेवलप होती हैं। दोस्तों, लगभग 1 महीना हो चुका है इस अनार के पौधे पर हमने एयर लेयरिंग की थी और जैसा कि आप ये पॉलीथीन के ऊपर से देख पा रहे हैं, ये जो वाइट ये इसकी रूट्स बन के तैयार हो चुकी हैं और अब ये सही समय आ चुका है इस ब्रांच को हम कट करके मिट्टी में लगा दें। तो चलिए, इस ब्रांच को हम कट कर लेते हैं जहाँ से हमने एयर लेयरिंग की थी उसके जस्ट नीचे से इस ब्रांच को काट लेते हैं। तो इसकी जो पॉलीथीन है हम अलग करके देखते हैं कि इसे किस प्रकार जो इसकी रूट्स हैं डेवलप हुई हैं। अगर आपको अमरूद का पौधा, आम के पौधे और नींबू के पौधे इसी प्रकार एयर लेयरिंग से आप तैयार कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का मेन बेनिफिट ये है कि जो एयर लेयरिंग से जो हम पौधे तैयार करते हैं वो हमको कम समय में फल देने लगते हैं। तो इस कटिंग को हम मिट्टी में लगा देंगे और जो हम मिट्टी ले रहे हैं वो हमारे पास 60% नॉर्मल सॉइल है और 40% इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। तो इस प्रकार आप एयर लेयरिंग से जो पौधे तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय पर। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।